हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मेरा पहला मीटअप है फूड ब्लॉगर्स के साथ और पहला एक्सपीरियंस है, तो कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी और आपको भी मैं वहाँ पे दिखाऊंगा और काफ़ी सारे फूड ब्लॉगर से मिलने का भी मुझे मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मैं अभी ईसी रोड में हूं और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली 6 इंडियन स्ट्रीट जो ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी के ठीक नीचे है और अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं। यहां पर आपको बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, कंफर्टेबल रहने वाला है और आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आ सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ रोहित जी हैं जिन्होंने दिल्ली 6 इंडियन स्ट्रीट फूड की शुरुआत की थी। रोहित जी आप मुझे बताएंगे कि आपने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत कब से की? इसकी ओपनिंग हमने करी थी 30 दिसंबर 2022। ओके, अभी लगभग 5 महीने कम्प्लीट हो गए। तो आपके पास कितने टाइप की जो फूड है? हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है खाने में, चाट है, इंडियन है, चाइनीज है, छोले भटूरे हैं और बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है। एक हमारी जो स्पेशलिटी है वो है सॉफ्टी, जो कि ओनली 25 रुपीज़ में हम लोग 25 रुपीज़ हाँ जी हाँ सॉफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड संडेज हैं, आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम के हमारे पास सारे फ्लेवर्स लगे हुए हैं। आप मतलब मैक्सिमम जो आपके चॉइस की आइटम्स होती हैं वो सारी एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाए। तो आपको 4 से 5 महीना हो चुका है इस रेस्टोरेंट को चलाते हुए, सबसे ज़्यादा डिमांड किस फूड की आपको देखने को मिली है? छोले भटूरे की। यानी कि आपका जो छोले भटूरे बहुत फेमस होने वाले हैं। छोले भटूरे, थाली एंड चाट। थाली में क्या प्राइस रखा है आपने थाली का, मिनिमम और मैक्सिमम? थाली में हमारी जो वेज थाली है वो 199 की है। 199 और जो डीलक्स वेज थाली है वो 249 की है, जिसमें डेजर्ट वगैरह एक दो चीज़ें डेजर्ट वगैरह आपका रहता है उसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए थैंक यू सो मच सर। तो ये है दिल्ली 6 का राज कचौड़ी, जो कि सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी जूसी है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि इसमें कचौड़ी बनाने पूरा भल्ला भरा हुआ है, पूरा इतना भरा है कि पूरा गिर रहा है, पूरा काफ़ी ज़्यादा जूसी है ये। और दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी आप यहाँ पे रात को चेक करो, आपको ढंग से खाना है ना, गिरता हुआ होता है। और दोस्तों ये है हमारा चिकन टिक्का और आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ज़्यादा यमी हो रहा है। दोस्तों अगर आप चिकन लवर हो तो आपको दिल्ली 6 में आकर चिकन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़े पहले चिकन लॉलीपॉप ट्राई किया था जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। ये छोले भटूरे मुझे दे दे ठाकुर, ये यहाँ का थीम रह चुका है दोस्तों छोले भटूरे का, और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद मेरे यहाँ पे छोले भटूरे हैं और छोले भटूरे टेस्ट करे दो तो छोले का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यमी है। अगर आप छोले डवर हो तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ पर आके छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने जब रोहित भाई से बात की थी तो वो कह रहे थे कि छोले भटूरे उनके सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। और दोस्तों ये है दिल्ली 6 का पिज़्ज़ा, धीरे धीरे करके मैं काफ़ी कुछ टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यमी है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देख ली, मैंने जितनी भी चीज़ें टेस्ट करी है सारी की सारी बहुत ज़्यादा यमी है। चिकन बर्गर है, आपको मैं इसकी स्टफिंग दिखाऊं तो आप देख सकते हो काफ़ी कुछ भर रखा है इसमें और टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा यमी है। तो ये देखो फ्रेंच फ्राइज कितने बढ़िया तरीके से
सजा रखे हैं। और दोस्तों ये हमारे आ चुके हैं चिकन और वेज मोमोज, मैंने दोनों इसी में ही करवा दिए थे ताकि थोड़ा टेस्ट करने में इजी हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम वेज मोमोज को ट्राई करेंगे, ये हमारे वेज मोमोज, इसको काफी बढ़िया टेस्ट है मोमोज का। अगर हम उसकी स्टफिंग देखे तो पत्ता गोभी है, गाजर है, और इधर की साइड है हमारे नॉनवेज मोमोज। दोस्तों नॉनवेज लवर के लिए डेलिश का जो पॉइंट है सबसे बेस्ट है, क्योंकि नॉनवेज की मैं काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ और हर चीज़ का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ टेस्ट किया है, पिज्ज़ा टेस्ट किया है, चिकन में काफ़ी चीज़ें टेस्ट की, लास्ट में मैंने मोमोज टेस्ट किए, बहुत ही ज़्यादा यमी यहाँ पे का टेस्ट है। मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। लोकेशन की मैं बात करूँ तो मैं अभी इसी रोड में हूँ, गीतांजलि सैलून के अपोजिट। और दोस्तों लास्ट फ्रेशनेस के लिए मैं टेस्ट करूँगा मोजिटो। दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो मैं आपके लिए इसी तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में।